भाजपा की चिंतन बैठक भितरघाट के खिलाफ असंतोष सामने आया। भदौरिया बहादुर बोले, संगठन की बात न सुनने वालों को बाहर करो वरना जिलों में लोग हंसते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। सीहोर के एक रिसोर्ट में गुरुवार को भाजपा की चिंतन बैठक हुई। बैठक में विधानसभा चुनाव के नतीजों पर भी चर्चा हुई। इस दौरान उज्जैन की नागदा खाचरौद सीट से विधायक डॉक्टर तेज बहादुर सिंह और पूर्व मंत्री अरविंद भदौरिया ने कहा कि चुनाव के दौरान कई लोगों ने पार्टी के खिलाफ काम किया, चुनाव लड़े, छोटे लोगों को एक बार छोड़ भी दिया जाए लेकिन बड़े लोगों पर कार्रवाई हो और इनकी वापसी भी ना हो। भदौरिया ने बिना नाम लिए अपने क्षेत्र का उदाहरण दिया कि जिसने 50,000 वोट लिए वे भाजपा में नहीं लौटा, लेकिन जो 10-15 हजार वोट लेकर पार्टी के खिलाफ उतरे थे उनकी विधानसभा चुनाव से पहले वापसी हो गई। ये ठीक नहीं है। कार्यवाही के दौरान नेताओं की पसंद और नापसंद को नहीं देखा जाना चाहिए। पार्टी के खिलाफ काम करने वालों ने इस बार मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष और संगठन महामंत्री की भी नहीं सुनी। नेताओं ने कहा कि अनुशासन का डंडा चलना चाहिए वरना जिलों में लोग हंसते हैं। बैठक में तय हुए कार्यक्रम, लोकसभा का प्रभार मंत्रियों को दिया जाएगा। विधानसभा चुनाव में हारी सीटों पर प्रमुख नेता तैनात होंगे। मोर्चे राम मंदिर महोत्सव में जुटेंगे। मध्य प्रदेश से 2.25 लाख लोगों को अयोध्या ले जाया जाएगा, इसकी तैयारी भाजपा नेता करेंगे। फिर से बूथ विस्तारक कार्यक्रम चलेगा। लाडली बहना का इम्पैक्ट तो मानना चाहिए। शिवराज, विधानसभा चुनाव की जीत और लोकसभा चुनाव की तैयारी पर चर्चा के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कहा कि लोकसभा चुनाव भावनात्मक रूप से लड़ना होगा। राम मंदिर ठीक विषय है, ये भी मानना चाहिए कि विधानसभा चुनाव की जीत में लाडली बहना योजना का इम्पैक्ट भी था। फर्जी वोटरों के खिलाफ अभियान चले मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि कई लोगों ने फर्जी मतदाताओं की बात कही है, इस पर अभियान चलाकर काम करना चाहिए। किसी कारणवश डॉक्टर यादव बैठक में देरी से पहुंचे, इसलिए बैठक देर से शुरू हुई। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।